स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब जब 2022 का पन्ना पलटा जाएगा, तब तब हर हिंदुस्तानी गर्व से भर उठेगा। क्योंकि 2022 के भारत ने हमें गर्व करने के कई विशेष अवसर दिए हैं। अवसर गुलामी के प्रतीकों से आजादी के कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाने का, राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसकी आत्मा भी बदली है। अवसर फिर से विश्व गुरु बनने का। एंड द थ्रोन ऑफ द लीडरशिप आई कन्फे टू प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। अवसर भारत पर 200 साल राज करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन अवसरों की या कहें उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इनमें से 14 बड़ी उपलब्धियां आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ऐसे हालात में एक सुदृढ़ भारत बनाना, सक्षम भारत बनाना, भारत की सुरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत बनाना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि कोविड या जो कोरोना के आघात थे उनसे निपटने के साथ साथ उन्होंने जो अर्थव्यवस्था को न केवल समभाव पर लाए बल्कि थोड़ी ऊंचाई पर ले गए, ये उनकी 2022 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राजपथ बना कर्तव्य पथ, जिसके पास सत्ता है उसके लिए किसी जगह का नाम बदल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुलामी के प्रतीकों से देश को आजादी दिलाने का फैसला बड़ा है, और ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया। दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाले इस पथ का नाम 100 साल में तीसरी बार बदला गया। पहले किंग्सवे, फिर राजपथ और अब कर्तव्य पथ। नाम बदलने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना था कि राजपथ से राजा के विचार की झलक मिलती थी, लेकिन लोकतांत्रिक भारत में अब जनता सबसे ऊपर है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजपथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया बल्कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। And the throne of the leadership. दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथ, इंडिया G20 का नया बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ये वो प्रतीक चिन्ह है जो भारत के विश्व गुरु बनने का प्रमाण है। दुनिया की 2/3 आबादी, दुनिया की 85% GDP और दुनिया के 75% ग्लोबल ट्रेड के हिस्सेदार, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों का बॉस अब भारत है। 2022 के नवंबर महीने में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता मिली। विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव
और एक्शन ओरिएंटेड होगी। ये पहली बार है जब G20 देशों की दिशा और दशा भारत तय करेगा। सरकार पॉलिसीज द्वारा देश की प्रगति को मॉड्यूलेट करती है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोदी की सरकार डेफिनेटली बहुत बड़े श्रेय के लायक हैं कि आज भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसको बड़ी एक्साइटमेंट या बड़ी ईगरनेस से पूरी दुनिया देख रही है कि भारत क्या G20 का डायरेक्शन देता है। ऑपरेशन गंगा, जिसकी पहचान तिरंगा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए मोदी सरकार का ये भरोसा यूं ही नहीं था। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जेलेंस्की के देश में जब रशियन टैंक मौत के गोले उगल रहे थे, पुतिन के लड़ाकू विमान आसमान से तबाही के मिसाइल गिरा रहे थे, जब यूक्रेन में रहने वाला हर शख्स डरा सहमा था, जान जोखिम में थी, तब मोदी सरकार ने वॉर के बीच मौत के मुंह से अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मिशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इस रेस्क्यू मिशन में 90 विमानों के जरिए 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला गया। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ऑपरेशन यूं ही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर पर भेजा ताकि लोगों के रेस्क्यू में कोई परेशानी ना हो। पीएम मोदी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रेस्क्यू के लिए कई घंटों तक रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए मजबूर कर दिया। और नतीजा देखिए, यूक्रेन से निकलने के बाद हर भारतीय सरकार के इस कदम की सराहना कर रहा था। हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही। आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। INS विक्रांत का आगमन 2 सितंबर को नौसेना में देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत का इंट्रोडक्शन जिस अंदाज में दिया, वो बताता है कि भारत के लिए INS विक्रांत का मतलब क्या है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। 262 मीटर लंबे, 62 मीटर चौड़े और 50 मीटर ऊंचे INS विक्रांत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट का बेड़ा मौजूद रह सकता है। 40,000 टन के INS विक्रांत में महासागर का महायुद्ध जीतने की पूरी क्षमता है। भारत जो है अब ऐसे एक ऐसा एक देश बन गया जो खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है और स्टेट ऑफ द आर्ट, ऐसे नहीं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, जिससे कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा रहे और बाकी जो देश हैं उनको भी लगे कि बाकी जो भारत है अब उस मकाम पर जा पहुंचा है जहां उसे अपनी सुरक्षा के मामले में किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और सबसे अहम ये है कि INS विक्रांत पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज
INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। विदेशी निशान से नौसेना को मुक्ति। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन नौसेना के ध्वज पर ब्रिटिश निशान अब तक लगे थे। 2 सितंबर 2022 को हिंदुस्तान ने उस निशान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। दरअसल भारतीय नौसेना जिस ध्वज का इस्तेमाल कर रही थी वो अंग्रेजों की विरासत था। अंग्रेजी नौसेना अपने ध्वज यानी निशान में सेंट जॉर्ज क्रॉस का इस्तेमाल करती थी। भारत जब आजाद हुआ तो फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उस ध्वज में यूनियन जैक की जगह भारतीय तिरंगा गया, लेकिन सेंट जॉर्ज क्रॉस बना रहा। बाद में इसमें बदलाव की कोशिश की गई, लेकिन 2004 में दोबारा सेंट जॉर्ज क्रॉस आ गया और उसके बाद 2014 में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और किया गया और उसमें हिंदी में सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया, लेकिन अब सेंट जॉर्ज क्रॉस पूरी तरह से गायब हो गया। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। नौसेना के नए ध्वज में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिस पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शिवाजी महाराज को ही समर्पित किया, क्योंकि शिवाजी महाराज के दौर में भारत समंदर की बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। सत्तर साल बाद आए चीते। इन चीतों को भारत लाना ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि इस दिन का इंतजार हमारा देश 70 साल से कर रहा था। वर्ष 1952 में बताया गया कि भारत से चीते विलुप्त हो गए। तब से लेकर 16 सितंबर 2022 तक पेड़, प्रकृति और पशु प्रेमी देश में एक भी चीता नहीं था। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति और कोशिशों का ही नतीजा है कि 17 सितंबर 2022 को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अफ्रीकी देश नामीबिया से पहली बार 8 चीते विशेष विमान से ग्वालियर लाए गए और उसके बाद उन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। इस ऐतिहासिक पल को पीएम मोदी अपने कैमरे में सहेजते रहे। 2022 का जन्मदिन प्रधानमंत्री ने इन्हीं चीतों के साथ मनाया। हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। नामीबिया से 5 साल में कुल 50 चीते भारत आने वाले हैं और ये समझौता अफ्रीकी देश से लंबे समय तक हुई बातचीत के बाद हो सका, क्योंकि इससे पहले भी केन्या और ईरान जैसे देशों से चीता लाने को लेकर कोशिशें तो कई बार हुईं, लेकिन बात नहीं बन सकी। इन चीतों के आने के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहाँ बिग कैट फैमिली की सभी 5 प्रजाति रहती है। भारत का 5G अवतार। 2022 का आखिरी दौर संचार के क्षेत्र में भारत की 5G क्रांति के लिए याद किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा की शुरुआत की। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है।
मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में अब तक 4G की स्पीड से इंटरनेट सेवा मिल रही थी, लेकिन अब 5G की रफ्तार से इंटरनेट चल रहा है। पहले चरण में दिल्ली मुंबई समेत देश के 13 बड़े शहरों में 5G सेवा शुरू हुई। 5G का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 घंटे की फिल्म डाउनलोड करनी हो तो सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, जबकि 4G की स्पीड में 2 घंटे की फिल्म डाउनलोड करने में कम से कम 7 मिनट लगते हैं। अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।